वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गाइस, अगर आपके पास सैमसंग के कोई भी मिड रेंज डिवाइस है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M21, M31, M31S या फिर M51 या फिर गैलेक्सी के कोई भी हाई एंड डिवाइस, जैसे कि ये मेरा गैलेक्सी नोट 10 प्लस, तो वैसे इन सभी डिवाइस में यहाँ पर अक्टूबर महीने का जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेटिंग पे गया, मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ये सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। सो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में, देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लिखा गया है अपडेट योर फोन एंड आपको यहाँ पर दिखा गया है वर्स न्यू करके। बात करें इसका साइज़ के बारे में, तो गाइस इसका जो साइज़ है वो है 162 MB। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड नीचे की तरफ आपको लिखा गया है 1 अक्टूबर 2021। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको लिखा गया है द सिक्योरिटी ऑफ यू डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, ए सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट नॉट इट लिमिटेड टू। उसके बाद आपको लिखा गया है डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट, बग फिक्सेस, न्यू और एनहांस फीचर, फर्दर इंप्रूवमेंट टू परफॉर्मेंस। न्यू या एनहांस फीचर जो बताया गया है वो तो अपडेट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर न्यू या फिर कितने जो फीचर्स उसको एनहांस किया गया है। बात करें पिछले जो अपडेट था सितंबर के बारे में, तो सबसे पहले इसको मैं डाउनलोड पर लगा देता हूँ। तो सितंबर का जो है अपडेट था सिक्योरिटी पैच का, उसमें वो अपडेट आने के बाद मेरे जो पर्टिकुलर डिवाइस है गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसमें बैटरी का कुछ यहाँ पर इशूज चल रहा था, यानी यहाँ पर बैटरी जो ओवरऑल लाइफ है वो मुझे यहाँ पर थोड़े से कम देखने को मिल रहे थे। मेरे पूरा दिन की अगर बैटरी लाइफ बात करें, तो गैस यहाँ पर पूरा दिन लगभग शाम को आते आते जो बैटरी है वो ड्रेन हो जा रहा था। सो होपफुली कि ये जो अक्टूबर के जो महीने का सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया है, होपफुली ये अपडेट हो जाने के बाद मेरे गैलेक्सी नोट 10 प्लस में मुझे यहाँ पर बैटरी अपडेट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिले। सो गैस, मुझे आप कमेंट के बताइए कि क्या आपको भी सेम ये जो बैटरी का ड्रेन का जो प्रॉब्लम है, क्या आपको भी फेस करना पड़ रहा था, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। सो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर लगा देता हूँ। एंड ये थोड़ा सा टाइम लगता है इंस्टॉल होने पर, लगभग मुझे यहाँ पर 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। सो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। एंड जैसे मैंने बता रहा था कि ये जो पूरा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो लगभग यहाँ पर 5 से 10 मिनट नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 12-13 मिनट के लग जाता है। एंड यही मुझे पसंद नहीं आया था सैमसंग के डिवाइस के बारे में, चाहे वो हाई एंड हो या फिर मिड रेंज हो, यहाँ पर ओवरऑल जो टाइम है इंस्टॉलेशन प्रोसेस का जो टाइम है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कंपेयरिंग टू अदर डिवाइसेस या फिर अदर कंपनीज। बात करें पर वन ई फोर के बारे में, मुझे यहाँ पर लग रहा था कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर जो अपडेट आ जाएगा सिक्योरिटी पैच का, उसके साथ साथ वन ई फोर का भी अपडेट आएगा। ऑफिशियल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई बीटा प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है, चाहे बात करें सैमसंग का हाई एंड डिवाइस या फिर मिड एंड डिवाइस। सैमसंग का जो S21 का लाइनअप का जितने भी फोन से, सिर्फ उन्हीं फोन को अभी तक अपडेट दिया गया है। यह मेरे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जो कि 2019 एक फ्लैगशिप फोन था, उसमें आपको अभी तक 1A4 का कोई भी अपडेट नहीं है। सो चलिए गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो अक्टूबर महीने का सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया गया है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। बात करें नए फीचर के बारे में, तो गाइस वो मैं एक नए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्या दिखाऊंगा कि उसमें कोई नया फीचर्स आया भी नहीं या फिर परफॉर्मेंस को कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है। ये जो वीडियो था पर्टिकुलरली यही आपको बताना था कि यहाँ पर अगर आपको सैमसंग कोई मिड रेंज डिवाइस है, सच एस M31, M31S, M51, M52, A51, सो इन सभी डिवाइस में अक्टूबर महीने का सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया गया है। सो चलिए गाइस, होपफुली कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप अपने चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोज लाता रहता हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।